Now we will discuss पौष्टिक तत्वों पर और अन्य प्रोटीन पर पाक क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है. नॉट ओनली प्रोटीन, जो भी हमारे भोजन में पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन सब का कुकिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है. ज्यादातर हमने जो अभी तक सीखा वो ये है कि कुक करने से जो फूड है वो सुपाच्य हो जाता है और टेस्टी हो जाता है, उसकी बनावट अच्छी हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स भी हम इस तरह से कुक करें कि उसके नष्ट ना हो. लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको कुकिंग करने से हो सकता है उसके पौष्टिक तत्व खत्म हो जाए, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखें तो प्रोटीन, प्रोटीन पे जो हम ये कह सकते हैं कि पाक क्रिया जो आपके कुकिंग मेथड है उसका क्या इफेक्ट है. बोथ इफेक्ट्स, हितकर भी है और अहितकर भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रोटीन रिच फूड बना रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट है अगर कुक करें और कुछ नुकसान भी हो सकता है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसका हितकर बेनिफिट क्या है. अगर आप दाल को पकाते हैं, ठीक है, दाल यानी कि हम जो अपने जो आपके वनस्पतिक प्रोडक्ट है ना, जो वेजिटेबल जो ओरिजिन वाले फूड्स हैं, प्रोटीन है, उनको अगर हम पकाते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके पौष्टिक तत्व भी नहीं नष्ट होते, उल्टा बढ़ते हैं और वो इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं. यही अगर हम देखें इसका जो अहितकर है दैट इज ऑन प्राणिज फूड, एनिमल फूड्स में ज्यादातर क्या होता है कि उसको बहुत अधिक पकाने पर उसका नुकसान होता है, वो कड़े हो जाते हैं, कड़क से हो जाते हैं और गांठें बन जाती हैं और कई बार हम उसको चबा नहीं पाते और वो हमारे अंदर जाकर डाइजेस्ट नहीं होते और उसके पौष्टिक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं. तो ये प्रोटीन पर इसका इफेक्ट है. सेकंड आता है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उस पर क्या होता है कि कच्चे कार्बोहाइड्रेट्स के अपेक्षा पक्के आसानी से पच जाते हैं. यानी कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हो कच्चा तो वो इतनी आसानी से नहीं पचेगा, अगर आप पका के खाएंगे तो इट विल बी इजिली डाइजेस्टेबल. स्टार्च कण जो उसके होते हैं, जो उसमें स्टार्च होता है वो पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, फूल जाते हैं, वो मुलायम हो जाता है जिसे अपन जेलीकरण कहते हैं और इससे भोजन सुपाच्य हो जाता है. यानी कि हम ये देखें तो कार्बोहाइड्रेट पे भोजन पकाने पर उस पर बेनिफिट्स है, वो हितकर है, आपको इसलिए आप डाइजेस्ट कर पाते हो. जबकि प्रोटीन में दोनों था, कुछ हितकर भी है और कुछ अहितकर भी है. देन कम्स वसा. फैट का क्या इफेक्ट पड़ता है पकाने पर, जो भोजन के अंदर जो वसा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कुकिंग का. तेज भाप के कारण अगर आपने बहुत तेज आंच पे भोजन बनाया है तो वसा में जो वसी अम्ल है, फैटी एसिड है, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो उसमें जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो न्यूट्रिएंट्स जो फैटी एसिड्स हैं वो नष्ट हो जाएंगे. और कई बार क्या होता है कि बहुत तेज आंच पे आप तलते हो तो जो उसका जो धुआं उठता है उसमें वो विषैला होता है, उसमें अक्रेलिन नामक एक विषैला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है जो कि हमें नुकसान देता है. और वसा में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो तेल यूज कर रहे हैं फ्राई करने के लिए हमें उसको बार बार यूज नहीं करना है क्योंकि वो विषैला हो जाता है. देन कम्स खनिज लवण. खनिज लवण जो होते हैं, जो आपके मिनरल्स हैं, उन पे भी इसका इफेक्ट होता है कुकिंग का. हम ये देखें तो खनिज लवण क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, पानी में हम ये कह सकते हैं कि वो सॉल्यूबल होते हैं. तो यानी हमने अगर वो जो फूड है उसको पानी में पकाया और उस पानी को अगर हमने फेंक दिया तो आपके सारे मिनरल्स नष्ट हो जाएंगे. यानी कि आपको उस पानी को कंज्यूम करना है जिसमें कि जो मेन मिनरल्स जो होते हैं जैसे कैल्शियम है, लोहा है, सोडियम पोटेशियम जो आदि खनिज लवण है वो वाटर सोल्यूबल है. सो यू शुड यूज दैट वाटर. और एक और तरीका इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कई बार हम जो लोहा है, कैल्शियम है, इनको बढ़ा भी सकते हैं. कैसे कि आपने सुना होगा कि क्या करते हैं हम लोग, लोहे की कढ़ाई यूज करते हैं. आप लोहे की कढ़ाई में कुकिंग करोगे, लोहे की करछी यूज करोगे तो आपका आयरन बढ़ेगा, यानी कि यू आर इंक्रीजिंग. उसी के अलावा हम हार्ड वाटर में कुक करते हैं तो कैल्शियम ज्यादा आ जाता है हमारे फूड में. तो हम इन मिनरल्स को कुकिंग के तरीके से बढ़ा भी सकते हैं. बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें वाटर को थ्रो नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, वी हैव टू यूज दैट वाटर. देन कम्स विटामिन्स. विटामिन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील. तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, जो विटामिन्स जल में घुलनशील है हमें उस जल को फेंकना नहीं है, जल का उपयोग लेना है. इसमें हम देखें तो विटामिन ए, विटामिन ए जो होता है वो जल में अघुलनशील है, इट्स नॉट वाटर सॉल्यूबल, इट्स सॉल्यूबल इन फैट. तो हम क्या करेंगे, इसका जो पानी है उसको फेंक सकते हैं,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो विटामिन बी है, विटामिन बी वन एथायमिन एंड इसके अलावा राइबोफ्लेमिन, जो विटामिन बी टू है, देन विटामिन सी, ये तीनों जो है जल में घुलनशील है। दैट मीन्स हमें इसके जल को फेंकना नहीं है और उस जल को यूज करना है, इस तरह से कुक करें कि ये विटामिन हमारे नष्ट ना हो। और हम देखें तो इसके लिए जो आपका विटामिन सी है, इसके लिए हम ज्यादातर बोलते हैं कि ये कुकिंग से थोड़ा नष्ट हो जाता है, तो हम इसको रॉ उस तरीके से ज्यादा यूज करें तो इसका पूरा हमें बेनिफिट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पाप क्रिया है उस पर रंगों का क्या इफेक्ट होता है, कलर्स का। मैंने पहले भी बताया था आपको कि रंगों को हमें फूड जो हम जो पकाने की विधि यूज कर रहे हैं वो हमारे रंग चेंज कर देती है। कई बार हम इस तरह से पकाते हैं कि जो रंग होता है वो बदल जाता है और कई बार रंग आ जाता है। तो अगर हम मैंने पहले भी बताया था कि इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, फर्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है, याद रखिएगा, हरा रंग होता है। हरे रंग की सब्जियों का जो है, जो ये सब्जियों को अगर आपने अम्लीय माध्यम से यानी कि एसिडिक नेचर में पकाया तो ये हरा रंग पीले में बदल जाएगा, और क्षारीय माध्यम में पकाओगे अगर एल्कली में उसको कुक करते हो तो ये हरा और अधिक हरा, चटकी हरा हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कुक करते समय। देन कम्स फ्लोवेंस। फ्लोवेंस क्या होता है, जिसमें जिसकी वजह से सब्जियों में सफेद रंग होता है, क्षारीय वातावरण में ये जो सफेद रंग है ये पीले में कन्वर्ट हो जाता है। देन कम्स एथोसाइनिन, जो सब्जियों में लाल रंग होता है, बैंगनी होता है ना, ये जो कलर है अगर अम्लीय माध्यम में हम पकाएंगे तो ये हल्का लाल में परिवर्तित हो जाएगा, और क्षारीय माध्यम में आप पकाओगे तो ये नीले में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सब्जियों का रंग कुकिंग मेथड से भी चेंज हो जाता है। एंड लास्ट है कैरोटीन। कैरोटीन हमें पता है क्या होता है, पीला रंग होता है, हल्का ऑरेंजिश लुक होता है, और सब्जियों में फलों का ये पीला रंग ये रहता है, इसको अपन कुक भी करते हैं तो ये पीला रंग चेंज नहीं होता। ठीक है, अब गंध का प्रभाव हम देखें तो पाक, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि पाक क्रिया द्वारा आप गंध को प्रभावित कर सकते हो, आप सब्जियों को एपेटाइजिंग बना सकते हो, उसमें जैसे पकाने से उसकी खुशबू और अधिक आ जाती है, जैसे चावल है, बासमती चावल है, उसकी एक अलग खुशबू होती है, आप इलायची को यूज कर सकते हो, आप लहसुन है, हींग है, इस तरह से बहुत सी फ्लेवर चीजें होती हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने फूड को और अधिक टेस्टी बना सकते हैं। और कई फूड ऐसे होते हैं जिनका गंध गंदा होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम कुकिंग के द्वारा उस गंध को दूर कर सकते हैं। अब ये हम देखें तो उसी तरह से बनावट पे भी हमारा इफेक्ट पड़ता है, जो हमने पहले डिस्कस किया, आप कुकिंग के द्वारा बनावट को चेंज कर सकते हो, आप हार्ड फूड को सॉफ्ट कर सकते हो, सॉफ्ट फूड को हार्ड कर सकते हो, दैट डिपेंड्स आपको किस तरह का फूड पसंद है। ओवरऑल इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि हमें कुकिंग करते समय बहुत सी बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, आप सेलेक्ट करिए अकॉर्डिंग टू योर रेसिपी, अकॉर्डिंग टू योर फूड। ध्यान रहे कि हमें जो सब्जियाँ हैं उनको धोकर पकाना है, ठीक है, और छिलके बहुत मोटे मत उतारे। वैसे तो हम पहले छिलके उतारते ही नहीं थे, लेकिन आजकल क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं तो हम छिलकों को उतारते हैं। छिलकों को जहां तक हो सके बहुत पतला उतारें, और बहुत अधिक ओवरकुक भी नहीं करें कि उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाए। कोशिश करें कि जो पानी में आप उबाल रहे हैं उस पानी को हम यूज करें, उसको वेस्ट नहीं करें। सोडा वगैरह को हम कम प्रयोग करते हैं क्योंकि उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और हमें फूड को देख करके इस तरह से पकाना चाहिए कि वो हम कितने दिनों तक उसको संग्रह करना है उस हिसाब से आप उसको फूड को प्रॉपर पकाएं और उसको प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर करें। दिस इज ऑल अबाउट योर भोजन बनाने की विधियाँ। Thank you.